नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो दोस्तों CPL का थर्ड मैच होने वाला है उसके बारे में, ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, प्लेइंग इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में इंपोर्टेंट टीम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और जो हमारा लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है माई फेव इलेवन, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं टीम न्यूज़। सबसे पहले आप देख सकते हो क्वींस पार्क ओवल में मैच होने वाला है त्रिनाड में, जो कि दोस्तों एक अच्छा स्कोरिंग विकेट है। यहाँ के कुछ पिछले मैचों का रिकॉर्ड आपके लिए मैं यहाँ से लेके आया हूँ। टोटल यहाँ पर 39 मैच खेल गए हैं, इनमें से पहले बैटिंग करने वाले ने 18 मैच और सेकंड बैटिंग करने वाले 19 मैच विन करके दिए। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर के बारे में बात करें दोस्तों 152 रन रहा है, वहीं सेकंड इनिंग्स एवरेज स्कोर के बारे में बात करें 140 रन यहाँ पे रहा। हाईएस्ट टोटल आप यहाँ से देख सकते हो 225 बनाए और आप यहाँ लोएस्ट टोटल 95 रन यहाँ पर बनाए। यदि लास्ट पाँच मैचों की बात की जाए दोस्तों हेड टू हेड इन दोनों के बीच, तो तीन यहाँ से दोस्तों नाइट राइडर्स जीती और जमैका यहाँ से दो विन करके दिए, मतलब आपके लिए लगभग नेल टू नेल मुकाबला देखने को मिल जाएगा। लास्ट सीजन के मैच के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों और बेल आइकन दबा देना है, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक एक लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ से दोस्तों लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम आमने सामने हुई थी, आप देख सकते हो 182 और 184 काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच हुए थे। हालांकि प्लेयर अभी काफ़ी चेंजेस हैं दोस्तों, यहाँ से मुनरो भी नहीं खेल रहा, ड्रेन ब्रावो भी नहीं खेल रहा, एमाद बसीम भी नहीं, सिर्फ यहाँ से ओसन थॉमस हैं, यहाँ मात्र क्यारे प्यारे हैं दोस्तों, यहाँ से ग्लेन फिलिप्स हैं, मात्र दो प्लेयर हैं। तो यहाँ सिर्फ आपके लिए मैं इसलिए लेके आया हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक हाई स्कोरिंग मैच इन दोनों टीमों के बीच होता है। आप यहाँ से देख सकते हो जो रिसेंटली मैच हुआ था 223 रन बने दोस्तों, वो भी आप देख सकते 225 बना के इन्होंने चेस किए थे। एकमात्र मैच था जो आंद्रे रसल ने 121 रन बनाए थे, इसके बाद पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लगभग 169 रन टोटल बना पाए दोस्तों। ये मुझे अच्छे तरीके से ये मैच याद है, क्योंकि मुझे दोस्तों इन्होंने हराया था, सामने वाले का कैप्टन था मेरा, ये दोस्तों सिर्फ प्लेयर था, तो इस वजह से मैं इनकी वजह से हार गया था वो मैच। यहाँ देख सकते हो अली खान भी इस मैच में शायद आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ बॉलरों ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी नाइट राइडर्स के लिए। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट टीम न्यूज़ के बारे में। इंपोर्टेंट टीम न्यूज़ के बारे में बात करें, लास्ट मैच में दोस्तों इनका जो टॉप ऑर्डर था दोस्तों वो कॉलेस हो गया था, तो इस मैच में शायद कुछ चेंजेस आपके लिए देखने को मिल जाए और शायद ज़्यादा चेंजेस भी टीम ना करे, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना पसंद करेगी। बात करें दोस्तों यहाँ से प्रसन्ना को शायद टीम रिप्लेस कर दे, अली खान यहाँ से खेल सकता है प्रसन्ना की जगह। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ से जमैका के बारे में, तो आंद्रे रसल आपके लिए इंपोर्टेंट पिक हो जाता है। वहीं बात करें दोस्तों आपके लिए वट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जेरम टर्ल आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे और अच्छा ऑप्शन ये हो जाता है। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ से लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट ईयर ग्लेन फिलिप्स ने दोस्तों लास्ट ईयर शानदार बल्लेबाजी की थी और आपको लिए 457 रन बनाकर दिए थे दोस्तों, और इनका एवरेज 41 का रहा था 11 मैच। आंद्रे रसल ने दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 121 तो इन्होंने एक ही मैच में बनाए थे, 14 मैच में दोस्तों विकेट जरूर इन्होंने अच्छे चटकाए थे, 14 विकेट चटकाए दोस्तों 11 मैचों में। ओसन थॉमस दोस्तों इन हाइएस्ट विकेट टेकर रहे थे, आप देख सकते हो 10 मैच में 18 विकेट चटकाए थे और एवरेज भी आप इनका देख सकते हो। किरण पोलार्ड आपके लिए अच्छी चॉइस रहने वाले हैं दोस्तों, लास्ट मैच में उन्होंने 47 रन का स्कोर किया था, उसके अलावा दो ओवर भी इन्होंने फेंके थे, तो आपके लिए इंपोर्टेंट चॉइस हो जाती है। वहीं आप देख सकते हो मोहम्मद हसन यहाँ से आपके लिए इंपोर्टेंट पिक ये भी हो सकते हैं, लास्ट मैच में 3 विकेट इन्होंने निकाले थे। और दोस्तों उसके अलावा जिमी नीसम ने भी शानदार यहाँ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही की थी। लास्ट मैच और दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले नाइट राइडर्स के, तो लेंडन सिमस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, सुनील नारायण के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। सुनील नारायण जैसा कि मैंने बताया इतने प्रभावी ये CPL में नहीं रहे थे, लास्ट मैच में दोस्तों मैंने इनके बारे में अच्छे से बताया था कि CPL में इतने प्रभावी नहीं रहे थे, बनस्पत दोस्तों IPL या कोई सा भी ऑल लीग खेल ले जाए। वेबस्टर ने दोस्तों 6 रन का स्कोर किया था, दिनेश रामदीन 33 बनाए थे और जिमी नीसम ने दोस्तों 33 रन भी बनाए थे और 3 विकेट भी चटकाए थे, तो आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर ये हो जाते हैं। भाई किरण पोलार्ड दोस्तों 47 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था लेकिन दो ओवर फेंके थे, मतलब ये गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो जाती है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से सेवरल्स ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, प्रसन्ना दोस्तों इन्हें एक विकेट मिला था लेकिन एक काफ़ी यहाँ से रन खर्च कर चुके थे, हसन को 3 विकेट मिले थे दोस्तों, फिलिप को कोई विकेट नहीं मिला था और क्यारे प्यारे को यहाँ से 3 विकेट चटकाए थे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों बेंच पर आपके लिए अली खान सबसे इंपोर्टेंट नाम हो जाता है, ब्रावो ब्रदर्स आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तो इनको बिल्कुल भूल कर भी आपको ट्राई नहीं करना, कॉलिन मनरो भी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और दोस्तों यहाँ से आपके लिए अली खान को खिला सकते हैं दोस्तों यहाँ से प्रसन्ना की जगह। जमैका की संभावित 11 के बारे में बात करें, क्रिस गिल आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों यहाँ से ग्लेन फिलिप्स के साथ, क्रिस गिल ने 283 रन बनाए थे 10 मैचों में और ग्लेन फिलिप्स के बारे में आपके लिए पहले भी बता चुका हूँ। जॉर्ज वॉकर आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है, आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन में शो हो जाएंगे। चैडविक बॉल्टन दोस्तों आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, इन्होंने 12 मैचों में 167 रन बनाए थे लास्ट सीजन में। भाई केनार लुइस
आपके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर हो जाता है। इन्होंने दोस्तों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी और अच्छी बल्लेबाजी हमेशा से करते हैं। आंद्रे रसेल 163 बनाए थे 9 मैचों में दोस्तों, 14 विकेट भी इन्होंने चटकाए थे। वहीं बात करें आप यहाँ से रामबन पॉवेल के बारे में देख सकते हो, 10 मैच में 329 रन बनाए थे। कभी कभी इन्हें दोस्तों प्रमोट कर दिया जाता है, यहाँ से 3 या 4 नंबर पर इन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, इस वजह से दोस्तों इन्होंने अच्छा स्कोर करके दिया था। इमरान खान या दोस्तों यहाँ से स्टीवन में से कोई खेलते हुए नजर आ जाएगा। जेरम टेलर आपके लिए शानदार ऑप्शन है। ओसन थॉमस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लास्ट सीजन में इन्होंने 10 मैचों में 18 विकेट चटकाए थे। और दोस्तों यहाँ से स्प्रिंगर आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, तो आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं हम दोस्तों माई फेवरेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जैसे डाउनलोड कर आप Raj123 जी हाँ दोस्तों Raj123 कोड डालोगे आपके लिए यहाँ से 50 रुपये का कैश बोनस आ जाएगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इसमें एंट्री फीस काफ़ी कम है, आप यहाँ से देख सकते हो। और हेड टू हेड और स्मॉल लीग में भी ग्रैंड लीग और दोस्तों यहाँ से ड्रीम इलेवन से काफ़ी कम एंट्री फीस है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें 10,000 रुपये इनाम है सीधी आप, और इसमें जबकि एंट्री फीस ड्रीम इलेवन से काफ़ी कम है, लगभग 300 से 500 रुपये यहाँ से एंट्री फीस आपके लिए अंतर आ जाता है ड्रीम इलेवन से। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी टीम के आपके लिए मैं डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू यहाँ से दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने एक हाई रिस्क क्या लिया दोस्तों, मैंने यहाँ से आपके लिए ट्राई नहीं किया है किसको, क्रिस गेल को ट्राई न करके दोस्तों मैं सुनील नारायण को ट्राई कर पाया हूँ। यदि आप इस रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल रिस्क फ्री जाना चाहते हो तो यहाँ से क्रिस गेल को टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सुनील नारायण इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते जैसा कि मैंने आपके लिए बताया। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में और हम डिटेल से चर्चा हमारी ड्रीम इलेवन की टीम तैयार करेंगे तब कर लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं जो टोटल डिफरेंट एप्लीकेशन है दोस्तों क्रिक डुअल, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड इसे कर सकते हो। डिफरेंट कैसे है दोस्तों, आपको सिर्फ इसमें 8 प्लेयर खिलाना है, एक बल्लेबाज, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 2 बॉलर, तो आपके लिए ये डिफरेंट एप्लीकेशन हो जाती है। काफ़ी शानदार ये एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं यहाँ से दोस्तों यहाँ से ग्लेन फिलिप्स को टीम में ट्राई करूँगा। बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में दोस्तों आपको इन दोनों में ट्राई करना है, तो आपके लिए गेंदबाजी भी कर देंगे दोस्तों, जब क्रिस गेल आपके लिए गेंदबाजी नहीं करेंगे। आप चाहो गेल को भी ट्राई कर सकते हो, आप चाहो करेन पोलार्ड को, लेकिन मैं यहाँ से पोलार्ड को टीम में ट्राई करूँगा। बात करें दोस्तों यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की, सेकंड बल्लेबाज के बारे में, तो आपको मैं लैंडन सिमंस को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। थर्ड बल्लेबाज के बारे में आपके लिए बात करें दोस्तों, आपके लिए यहाँ से ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, यहाँ से सिर्फ आपके लिए बेबिस्टर ही खेलती हुई नजर आ सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों विदाउट हेजिटेशन मैं आंद्रे रसेल को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। सेकेंड ऑलराउंडर दोस्तों यहाँ से आपके लिए किसी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ से रामबन पॉवेल को टीम में ट्राई करूँगा। बात करें दोस्तों यहाँ से फर्स्ट बॉलर के बारे में, तो क्यारे प्यारे हैं दोस्तों, यहाँ से ओसन थॉमस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड बॉलर के बारे में बात करें तो आप यहां से देख सकते हो ग्लेन फिलिप्स आपके लिए ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे। जेरम टेलर आपके लिए शानदार ऑप्शन है, और दोस्तों इतना अच्छा ऑप्शन आपके लिए कोई यहां से है नहीं, तो मैं जेरम टेलर को टीम में ट्राई करूंगा। आप कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मैं आंद्रे रसेल को कैप्टन और दोस्तों केरन पोलार्ड को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। इसमें आपके लिए काफ़ी सारे लीग्स अवेलेबल हैं दोस्तों, तो आप ये लीग खेल सकते हो। हेड टू हेड में भी इसमें काफ़ी सारे लीग्स अवेलेबल हैं, और दोस्तों ग्रैंड लीग में भी अवेलेबल हैं और स्मॉल लीग्स में भी। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। चलिए ड्रीम इलेवन की टीम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, मैंने इन दोनों को टीम में ट्राई किया है। चैडविक बोल्टन को आप टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं, नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। फिलहाल की स्थिति मैंने इन दोनों को यहाँ से टीम में ट्राई किया है, आप चाहो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। चलिए बात करते हैं बल्लेबाजी डिपार्टमेंट, यहाँ दोस्तों मैंने क्रिस गेल को ट्राई किया, रिस्क नहीं लिया, रिस्क फ्री गया हूँ, उसमें थोड़ी सी मैंने रिस्क लिए। मुनरो को बिल्कुल गलती से भी ट्राई नहीं करना दोस्तों, क्योंकि अभी बेस्ट खेल ही रहे हैं। उसके अलावा बात करें केरन पोलार्ड आपके लिए शानदार ऑप्शन है, आप केरन पोलार्ड को टीम में ट्राई कर सकते हो। डेरन ब्रावो को आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना है दोस्तों। उसके अलावा लैंडन सिमंस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी शानदार ही बल्लेबाज है। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए यहाँ से ऑप्शंस की बात करें तो केनार लुइस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और दोस्तों यदि इनकी बैटिंग आती है लगभग आ जाएगी, 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, तो जल्दी जल्दी आपके लिए 35-40 स्कोर करके दे जाते हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, यदि आप क्रिस गेल को ट्राई करोगे तो सुनील नारायण को ट्राई नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों यहाँ से मैंने क्रिस गेल को ट्राई किया, सुनील नारायण को मैंने ट्राई नहीं किया। हालांकि सुनील नारायण आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे और पूरे 4 ओवर फेंकेंगे, लेकिन CPL में जैसा कि मैंने बताया इतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं रहता, इस वजह से आप चाहो इन्हें अवॉइड कर सकते हो, आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल की स्थिति में आंद्रे रसेल और जिमी नीसम के साथ गया हूँ। आपके लिए यहाँ से ऑप्शन बता दूँ,
सबसे पहले तो यहाँ से ड्रोन ब्रावो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, 11% लगभग लोगों ने ट्राई किया है। यदि आप भी उनमें से, यदि आपका मित्र भी है तो इनको बिल्कुल रिमूव कर देना है, वीडियो शेयर भी आप क्लिक कर देना। जिमी निशान को ट्राई किया है दोस्तों, रामबन पॉवेल जैसा कि मैंने बताया इन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, नंबर 7-8 की जगह 4-5 पर इन्हें बल्लेबाजी कराई जाती है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से वॉकर ऑप्शन है, आप चाहो वॉकर भी टीम में ट्राई कर सकते हो, ये दोस्तों आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, ग्रैंड लीग में आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट, हसन को मैंने टीम में ट्राई किया, आप चाहो प्यारे प्यारे को भी टीम में ट्राई कर सकते हो, प्यारे ने भी 3 विकेट चटकाए थे लेकिन थोड़ी इनकी ठुकाई हो गई थी। हसन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप हसन को टीम में ट्राई कर सकते हो, तो मैंने इन्हें टीम में ट्राई किया है। उसके अलावा बात करें ओसन थॉमस आपके लिए शानदार ऑप्शन है, ओसन थॉमस को टीम में ट्राई किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लास्ट जो सीजन का है ना इनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा था। उसके अलावा दोस्तों बात करें जेरम टेलर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरे पास 0.5 कैडिट कम थे इसलिए मैं इन्हें टीम में ट्राई नहीं कर पाया। यहाँ से मैंने दोस्तों सेवल्स को टीम में ट्राई किया, हालांकि सेवल्स ने लास्ट मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, यदि आप 8 कैडिट में किसी और के साथ जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, आप यहाँ से स्प्रिंगर के साथ भी जा सकते हो, या दोस्तों यहाँ से अली खान को खिलाते हैं यदि इन्हें मौका देते हैं तो इनके साथ भी जा सकते हो। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनके बारे में जो भी न्यूज़ आएगी फाइनल जो भी एडिट करना होगा दोस्तों सुबह के 5 बजे तो आपके लिए मैं वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा पाऊंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट आपके लिए टेलीग्राम यहाँ हो जाएगा। यदि अली खान को खिलाते हैं तो मैं डेफिनेटली अली खान को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। फिलिप को दोस्तों लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराई गई थी, इतना ज़्यादा इतना अच्छा नहीं किया था, वहीं स्प्रिंगर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो आपके लिए यहाँ से आंद्रे रसेल शानदार ऑप्शन है, उसके अलावा केरन पोलार्ड भी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, उसके अलावा दोस्तों और क्रिस गेल आपके लिए 3 ऑप्शन बेस्ट हो जाते हैं। और दोस्तों और ऑप्शंस की बात करें ग्रैंड लीग के लिए तो आप जिमी नीसम और दोस्तों यहाँ से फिलिप्स को टीम में ट्राई कर सकते हो, और लिंडन सिमेंस आपके लिए 3 ऑप्शन एक ग्रैंड लीग में शानदार हो जाते हैं। स्मॉल लीग में दोस्तों इन तीनों में से आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लोकल बॉय हैं दोस्तों यहाँ से क्रिस गेल, मतलब इनका दोस्तों ये अपने होम कंट्री में खेलना है तो अच्छा स्कोर करके आपके लिए दे सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।